सीबीएसई 10वीं के नतीजे सामने आए, जिसमें देश में 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 500 में से 499 अंक आए हैं। उन्हीं 13 बच्चों में से 3 बच्चे गाजियाबाद के हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की है, सबसे पहले आप इस मोमेंट पे हमारे सामने क्या कहना चाहेंगे, आपके मन में क्या आ रहा है, पहले आप बताइए। मेरे मन में सबसे पहले आ रहा है दैट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय स्कूल टीचर्स, माय फैमिली एंड स्पेशली माय पेरेंट्स, बिकॉज उनका जो रोल एंड मेरी जो टीचर्स का रोल था इन मोटिवेटिंग मी, मतलब एवरी टाइम, मतलब इट्स जस्ट अनएक्सप्लेनेबल। हैट्स ऑफ टू देम। जी, किसको श्रेय देना चाहेंगे, हालांकि आपने बताया लेकिन फिर भी एक बार चाहेंगे हम, श्रेय किसको देना चाहेंगे इसका? मैं श्रेय अपनी सफलता का अपने स्कूल को, अपनी सारी टीचर्स को, प्रिंसिपल मैम को, मेरे पेरेंट्स को और मेरी पूरी फैमिली को देना चाहूंगा। आगे क्या आपके प्लानिंग्स हैं वो जानना चाहेंगे। अभी मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, मैंने अभी PCM ली है एंड आई वुड कंटिन्यू विद इट, मतलब आई वॉन्ट टू परस्यू द इंजीनियरिंग स्ट्रीम। किस तरीके से पढ़ाई करते थे, क्या शेड्यूल बनाया था आपने पढ़ाई का? मैंने कभी मतलब स्टडी आवर सेट नहीं किए, मैंने हर रोज का अपना टारगेट सेट किया था और वो टारगेट 3-4 आवर्स में या मैक्सिमम 5 आवर्स में खत्म हो जाता था। सो मैं अपने टारगेट के बेसिस पे चलता था, जब खत्म हो जाए आई वुड स्टॉप फॉर दैट डे। पढ़ाई के अलावा किस चीज में रुचि है, कोई खिलाड़ी, कोई अभिनेता या कोई? हाँ, मुझे कोई रोल मॉडल पसंद है एंड माई रोल मॉडल है MS धोनी जी। क्योंकि अब बहुत स्ट्रेस रहा होगा इन दिनों, तो मेरा सवाल वही है कि इस स्ट्रेस को अब कम करने के लिए कुछ सोचा होगा, कोई ट्रिप सोची होगी या कहीं जा रहे होंगे या कुछ और स्पेशल सोचा होगा, वो शेयर आप करना चाहेंगे। मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मींस व्हेन एग्जाम सेंटर पे जब मैं पहुंचता था ऑल वर देयर जस्ट टू मोटिवेट मी, जस्ट टू हेल्प मी आउट, मतलब मुझे उस टाइम कोई डाउट हो या मुझे स्ट्रेस हो एट दैट टाइम। एंड ऑब्वियसली क्रिकेट खेलता था, I am a huge fan of cricket and I like bowling. कोई खिलाड़ी आप जिनको पसंद करते हो? अपूर्वा जय एंड आई एम फ्रॉम उत्तम्स, करेंटली आई हैव टेकन PCM विद कंप्यूटर साइंस। आपको कितना अनुमान था कि आप टॉपर करने वाले हो, ये कैसा लग रहा है? मैंने टॉपर नहीं एक्सपेक्ट करा था इंडिया का, पर हाँ था कि अराउंड 99-98 आएंगे, 98 प्लस का आई वाज होपिंग, आई वाज प्रेइंग फॉर 98 प्लस, पर इंडिया टॉपर आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड। अच्छा, अब क्या फ्यूचर प्लान? क्या फ्यूचर प्लान? आई विल बी प्लानिंग फॉर इंजीनियरिंग, अ बेस्ट इंस्टीट्यूट फ्रॉम इंजीनियरिंग, एंड आई विल एनरोल माय सेल्फ इन BMC फॉर द सेम। पहले तीन लोग जो इस सफलता में आपके साथ होंगे? माय टीचर्स, माय मदर, आई मीन माय पेरेंट्स एंड ऑफ कोर्स माय ब्रदर एंड माय फैमिली। एक मंच कहां आपका कम रह गया? I don't have any idea. मुझे नहीं पता कि SST में कहाँ कटा है, क्योंकि मतलब मुझे नहीं पता। अपूर्वा कितना स्टडी पे टाइम देते थे, क्या प्लानिंग थी, स्मार्ट क्लास ये थे, किस तरह से आपने तैयारी की? आई यूज टू स्टडी फॉर एन एवरेज ऑफ 7 to 8 आवर्स एंड देर वॉज नो कॉन्स्टेंट स्टडी, देर वर ब्रेक्स इन बिटवीन एंड ब्रेक्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट ब्रेक्स यू कैन नॉट स्टडी, मतलब आई कुड नॉट स्टडी विदाउट ब्रेक्स, सो ब्रेक्स वर समथिंग दैट वर एसेंशियल फॉर मी। आप सोशल मीडिया पर हो? व्हाट्सएप पर। कितना टाइम दोस्तों के साथ करते थे, किस तरह से मैनेज करते थे पढ़ाई और लाइफ? देयर वाज मतलब व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया हाफ एन आवर और सो जस्ट दैट एंड रेस्ट आई यूज्ड टू वॉच TV एज वेल। आज 499 आए हैं, कैसा लग रहा है फर्स्ट रिएक्शन? बहुत एक्साइटेड हुआ, बिल्कुल इतनी उम्मीद नहीं थी। अच्छे मार्क्स की उम्मीद थी लेकिन नॉट सो गुड। किसको देते हो फेवर, किसको देते हो? माय टीचर्स, माय पेरेंट्स। ठीक है, घर में कैसे रहते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, और जो बच्चे अब अगले साल 10th का एग्जाम देंगे उनको लेके आपका क्या कहना है? क्या कहना है? आई यूज्ड टू स्टडी 6-7 आवर्स डेली, 6-7 आवर्स डेली पढ़ता था जी, लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है इसके लिए। आगे के क्या प्लान है? अगर मैं PCM लेता इंजीनियरिंग करना चाहता हूं जी। किस फील्ड में करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? इंजीनियरिंग बल्कि किस स्ट्रीम में करना चाहते हैं आप, और आगे क्या प्लान है? I have not thought about that. ठीक है, अब आगे 2 साल की और पढ़ाई बाकी है, तो उसको लेके क्या करेंगे आप? ऐसे में हेल्प करता रहूंगा। ईश टॉप किया है, 499 नंबर आए हैं। हां जी, CBSE करके। हां जी, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड
और साथ में बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बेटे ने इतना नाम रोशन किया इंडिया में। हाँ जी, कितनी मेहनत करता था, किस प्रकार से? हाँ जी, ये ज्यादा मतलब जो पढ़ता था पूरे कंसंट्रेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ ये पढ़ाई करता था, पूरा डिवोटेड बच्चा है। और स्टार्टिंग से ही इसके मतलब लक्षण लगने लगे थे हमें कि मतलब स्टार्टिंग से ही टॉपर रहा है और कभी भी आज तक। और इसको इसके अलावा क्या क्या मतलब पढ़ाई के अलावा क्या क्या करता? वो गेम्स में भी इंटरेस्ट लेता है, सब क्रिकेट वगैरह में और गेम्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। जी मैम, आपके परिचय के साथ जाना चाहेंगे, आपके स्कूल के बच्चे ने टॉप किया है उसकी जानकारी देते हुए कि कितनी खुशी है, बहुत बहुत बधाई भी आपको साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल के लिए